नासा हिंदी न्यूज चैनल के नए वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर से लिखी जाएंगी भूगोल की किताबें। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी में खोज डाली ये नई चीज। न्यू रिसर्च ऑन अर्थ रिसर्चर्स की टीम ने पृथ्वी पर एक नई लेयर की खोज की है, जिसकी वजह से अब हो सकता है कि भूगोल के सिलेबस को अपडेट करना पड़ जाए। इससे पहले हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि धरती के आमतौर पर चार लेयर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने पांच लेयर के साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स की एक टीम को पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर एक नई लेयर का पता चला है। द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के सिस्मोलॉजिस्ट के अनुसार भूकंप के कारण होने वाली भूकंपीय तरंगों से एकत्र किए गए डेटा ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के सबसे गहरे हिस्सों से नई जानकारी मिली है। शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने पृथ्वी के अंदर एक अलग लेयर अंतरतम आंतरिक कोर के साक्ष्य मिले हैं। यह किसी ठोस धातु की गेंद बॉल ऑफ मेटल के जैसी है। ये लेयर्स पृथ्वी के आंतरिक कोर में प्रवेश करती हैं और वहां से होकर गुजरती हैं। पहले चार लेयर्स की थी जानकारी। इससे पहले यही माना जाता था कि पृथ्वी की संरचना में चार अलग अलग लेयर्स शामिल हैं, जो क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर हैं, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों को जो जानकारी हासिल हुई है उससे पांच ही लेयर की पुष्टि होती है। एएनयू रिसर्च स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेस के रिसर्चर थान सोंग फिन ने कहा कि आंतरिक कोर के भीतर एक आंतरिक मेटल कोर अस्तित्व और अंतरतम आंतरिक कोर की लगभग 20 साल पहले परिकल्पना की गई थी। अब हमने परिकल्पना को साबित करने के लिए एक और साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पिंग पोंग बॉल की तरह करता है काम। वैज्ञानिकों ने भूकंपीय कोर को देखा जो सीधे पृथ्वी के कोर के माध्यम से यात्रा करती है और ग्लोब की विपरीत दिशा में स्थित करती है। जहां से भूकंप आया था ये लहरें फिर से वही भूकंप के केंद्र में लौट जाती है, जिसे एंटीकोर भी कहा जाता है। एएनयू के शोधकर्ता रिसर्चर अनु इस प्रक्रिया की तुलना पिंग पोंग बॉल से कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कुछ ऐसा है जैसे कोई पिंग पोंग बॉल आगे और पीछे उछलती है। फिन ने कहा कि घनी आबादी वाले सिस्मोग्राफ नेटवर्क द्वारा रिकॉर्ड किए गए संकेतों को बढ़ावा देने के लिए एक तकनीक विकसित करके हमने पहली बार भूकंपीय तरंगों को देखा जो पृथ्वी के व्यास के साथ साथ पांच गुना आगे पीछे उछलती हैं। पिछले अध्ययनों ने केवल एक एंटीपोडल बाउंस का दस्तावेजीकरण किया गया था।